we have Paira with us. So hi Paras, hi Paira, welcome to Cuties again. Thank you. And you know, we have some questions for the audience that we have to ask you. पहले अभी होली इज अराउंड द कॉर्नर, तो बताइए आपकी बचपन की कोई बहुत मेमोरेबल होली से जुड़ी हुई यादें। बचपन में होली से जुड़ी यादें ऐसी थी मेरी कि मुझे पता नहीं था कि होली है, पर मैं अपना आराम से सोया हुआ था अपने भाई के साथ मंजी पे, ठीक है। तो हमारे भैया आते हैं और सुबह सुबह कलर वाला पानी, जो हार्ड कलर होता है ना, जो कि एक बार नहला दो तो पूरे दिन उसी में याद लगे रहते हो, तो वो नीले रंग का कलर था। मेरे भाई और मैं पहचान में नहीं आते कि कौन पारस है कौन रमन है, तो ऐसा था। ये याद मेरी कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो मेरा पहला लाइफ का इतनी डर वाली हो रही थी कि मैं उठा और अपनी शक्ल दे रहा हूँ काला धोता हुआ और नीला, तो दैट इज माय थिंग। बाकी क्योंकि एक बार मैं गई थी खेलने की, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं भी यू नो होली खेल सकती हूँ, कलर के बीच में जा सकती हूँ, लेकिन फिर मेरा पंगा पै जो है और आपको उस कलर पे जो भी पहला नाम एसोसिएट होता है, या तो आपके सीजन से या उससे पहले या बाद में, वो आप बताइए। तो क्योंकि बात रंगों की हो रही है तो लाल रंग, तो दोनों का आंसर रेड है, मायरा। ओके, पिंक मायरा। ओके, तो आंसर मिल गया, ग्रीन पारस। मुझे एक अदर देन यू जो आपको डिस्क्वालीफाई होगा, ब्लू, बिग बॉस, बिग बॉस की आईज नीली थी, देखो ये भी नीली बनवाई है। ओके, सो दैट वाज वेल क्लियर। ओके, अभी स्किन केयर टिप्स यू नो होली की, ये अगर आपके फैंस को देनी है तो अगर आपकी कोई टिप है तो बताइए, हम तीनों एक एक टिप बताएंगे। हम तो मतलब जब होली होती थी तो मम्मी पकड़ के क्या करती थी, सरसों का तेल गरम गरम रगड़ देती थी पूरी बॉडी में, कलर जो भी अगर पक्का कलर भी लगे तो वो छूट जाए। और मेरी मम्मी मुझको नहलाती थी होली पे स्पेशली, गरम सरसों का तेल हल्का सा करके और पूरा कलर छुड़वाती थी, बड़ा चुपका था बस क्या बताऊँ। पर ये है कि उसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है ना, तो तेल लगाओ सरसों का और बाकी इसी स्किन स्पेशली शी कैन टेल यू बेटर, स्किन डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे क्योंकि हम खुद इनके पास आए हैं स्किन का मॉनिटर बता के। सो यस, होली जो रंगों का त्यौहार है तो रंग से तो बच तो नहीं सकते, लेकिन यू नो जैसे जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उन्हें ऑफकोर्स जो एक्ने से रिलेटेड मेडिकेशन है वो 3 दिन पहले बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज वो इरिटेट करती है। वो जो अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड या डैप्लिन अपने स्किन पर लगा रहे हो तो वो 3 दिन पहले बंद कर दो। जिनको ऑलरेडी एलर्जी है वो पहले दिन रात को एक एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लें, और कुछ घरेलू रेमेडीज भी हैं जैसे बेसन, एलोवेरा, ये सब चीज़ें ना सूदिंग होती हैं स्किन। पर अगर हम ऐसे कलर्स के साथ खेलें तो फिर तो इनकी इन सब की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन पे अगर आप कोटिंग लगा लोगे ना, क्योंकि ये कलर भी क्या होता है ना पारस, ये जो स्किन में पोर्स होते हैं उसमें बैठ जाता है, फिर आपको निकालने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम स्किन को जैसे पेंट लगाते दीवार पे तो प्राइम करते हैं, तो अगर आप अपनी स्किन को तो बेस्ट है अगर किसी को अपना पेंट उताना ना आए, प्लीज कम हियर एंड यू नो शी इज ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस, शी विल बी इन लाइक 2 मिनट्स, तुम तो घंटे में लगते रहे हो यहां पे, यूं क्यों रही, प्लीज डू कम आफ्टर होली। यस, एंड अभी लास्ट यू नो रंग लग गया, इसके कुछ लाइंस प्लीज अपने ऑडियंस को बताइए। मायरा का ये मायरा बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा ये मायरा कि बस मैं क्या बताऊं। मायरा आ जा, आज दिखा दे अपना लता मंगेशकर। क्या बात कर रही तूने, मैं अभी नहीं गा पाऊंगी, तूने लता दीदी का नाम ले लिया, तू एक्टिंग करती है ना बहुत। नो, शी इज लेजेंड यार,
अरे चल तू किसी की तरह बिता दे। रंग लगया जो गाना है वो एक सिंगर ही अच्छे से गा सकता है, अगर कोई सिंगर नहीं है तो वो इस गाने को गुनगुनाने की कोशिश भी ना करें, उनके जो सुरों का जो लेवल है वी कांट मैच दैट। मैंने बहुत बार कोशिश की बाथरूम में जाके इस गाने को कोशिश की कि कहीं ना कहीं आवाज गूंज के कोई सुर मेरे ढंग से कानों में आए, पर इतना गंदा गाना था कि मेरा नहाते हुए गाते में नहा बाहर आ गया, मैंने नहा भी नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी ये वीडियो फ्लॉप हो जाए, हम चाहते हैं वीडियो रोक देखो और खुद घर पे ट्राई करो गा के देखो। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आपको पैम्पर करने से पहले परस आप टेल मी व्हाई डू यू लाइक क्यूटीज़। व्हाई डू आई लाइक क्यूटीज़, क्योंकि क्यूटीज़ ने मेरा भी लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा क्लीन अप किया था, मेरा फेस बहुत अच्छा लग रहा था, तो यू नो सो आई हैव अ ट्रस्ट ऑन क्यूटीज़ नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम बैक फॉर द सेम थिंग कि मेरी अब स्किन को और अच्छा कर दूंगी। सेम सेम क्लीन अप इज वेरी गुड। मतलब we have tried these two three things, बाकी और कुछ आज शायद हम लेजर करने वाले हैं जो कि पेनलेस है, तो देखते हैं फिर उसके बाद फिर आप लोगों को बताएंगे कि you should get it done or not, पेन होता है कि नहीं होता है, right? So just एक happy होली विश आपके फैंस के लिए। All right guys, wishing you a very 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 happy colorful happy होली।